आज मैं बना रही हूँ चिकन एंड वेजिटेबल राइस। इसके लिए मैंने ले लिया है गाजर और शिमला मिर्च है, हमारे पास बंद गोभी है, हरी प्याज है, और इसमें मैंने कुछ 2 से 3 हरी मिर्च भी चॉप करके डाली है। 1 पाव मैंने चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन। इसमें मैं 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला ऐड करूँगी और 2 टेबल स्पून दही ऐड करूँगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मैंने ये चिकन में मसाला और दही अच्छे से मिक्स कर लिया है। 2 कप मैंने राइस लिए हैं, इनको मैंने सोक कर लिया है। अब इसको हम पहले चिकन को थोड़ी देर रखेंगे, देन इसको फ्राई करेंगे और सारी वेजेस को हम फ्राई करेंगे हल्का सा, फिर बॉइल्ड राइस हम इसमें सब मिक्स कर देंगे। जी, मैंने एक पैन में हल्का सा कुकिंग ऑयल ले लिया, इसमें मैं चिकन फ्राई करूँगी। फ्राई हो गई है, मैं इसको हटा दूंगी और इसकी जगह पैन में मैंने ऑयल ले लिया है हल्का सा। इसमें मैं चॉप गार्लिक ऐड करूंगी, फिर सारी वेजेस ऐड करूंगी। देखा, ये मैंने हल्के से ऑयल में चॉप गार्लिक को फ्राई करना है, देन इसमें मैं वेजेस ऐड करूंगी सारी। फिर इसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट, 1/2 टीस्पून शुगर एंड चिकन पाउडर ऐड करूँगी। मैं सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी, कैबेज, कैरेट एंड कैप्सिकम। ये देखें, मैं इसको थोड़ी देर ढक दूंगी, ये अपने ही पानी में सॉफ्ट हो जाएंगी। ये हमारे चावल भी जो है बॉयल हो गए, इसको रिंस कर लेते हैं। देखें कितनी अच्छे से जो है हमारी सारी वेजिज जो है ना सॉफ्ट हो गई है। मैं इसमें हरी प्याज और ग्रीन चिली ऐड करूँगी। तो मैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। अच्छा व्यूअर्स, इसमें हम 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड किया है मैंने, 1 टीस्पून शुगर ऐड करूँगी मैं इसमें, और थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करूँगी। और इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी सारी, और इसमें मैं राइस ऐड करूँगी और इसको हम दम लगाएंगे 5 मिनट के लिए, और उसके ऊपर हल्का सा ऊपर चिकन पाउडर ऐड करेंगे सबको। फ्रिज पे जो है दम पे लगा दिए, दम पे रख दिए, उसको बस 5 मिनट्स के लिए हम रखेंगे, फिर सर्व करेंगे।